नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं ग्रिड आई फायर और आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत करने जा रहा हूं। अगर आप अभी भी ग्रिड आई के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास आज का दिन है 4 जनवरी 2021। आज अगर आप शाम को 7 बजे तक भी अपना फॉर्म फिल करके IFE की ईमेल आईडी पे exams@ife.org.uk पे अगर आज शाम को 7 बजे तक भी सेंड करते हैं तो आपका लेट फीस के साथ एग्ज़ाम जो है, जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के मुझे फ़ोन आए जो एग्ज़ाम्स की जो बेसिक डेट थी हमारी 7 दिसंबर 2020, वो पार हो चुकी थी और उसके बाद वो चाह रहे थे कि वो एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करें। तो आज का एक दिन आपके पास अभी तक बचा है, आप लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं 4th जनवरी 2021। आज अगर आप शाम को 7 बजे तक भी फॉर्म अपना फिल करके IFE को ईमेल कर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा लेट फीस के साथ। और लेट फीस है आपकी 62 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो आपको लगेंगे। अगर आप एक पेपर के लिए जा रहे हो तब भी 62 पाउंड एक्स्ट्रा आपको देने होंगे, चारों पेपर्स के लिए जाएंगे तब भी सिर्फ 62 पाउंड्स ही देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर आधारित है कि एक पेपर होगा तो 62, दो पेपर होंगे तो 128 समथिंग करके, कुछ ऐसा नहीं है। सिंगल पेपर दो पेपर दे दो, तीनों पेपर दे दो या चारों पेपर दे दो, आपको सिर्फ 62 पाउंड जो है वो लेट फीस यहाँ पर लगेगी। तो इसके साथ आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, within 7 PM आज शाम 7 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो लेट फीस के साथ। आपका पेपर जो है, आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको फॉर्म की जरूरत है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको PDF फॉर्म जो है आपको सेंड कर दूंगा। आप फॉर्म को प्रिंट आउट कीजिए, प्रिंट आउट करने के बाद पेन से उसको फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आप उनको स्कैन कीजिए। फोन में आजकल स्कैन के काफी एप्लीकेशन आती है, स्कैनिंग एप्लीकेशन, और आप उस स्कैन PDF को जो है IFE को सेंड कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं मालूम कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं तो मेरी एक वीडियो आप देख लीजिए, उस वीडियो में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी हाउ टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आप अपना फॉर्म आज तुरंत अप्लाई कर दीजिए अगर आप मार्च 2021 के लिए एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत से कैंडिडेट का मुझे फोन आया था कि सर हमें दिसंबर मंथ दिया गया था, हमारी पेमेंट डिडक्शन के लिए UK की तरफ से मेल आई थी लेकिन अभी तक भी हमारी पेमेंट जो है वो डिडक्ट नहीं हुई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 24 दिसंबर से और 4 जनवरी तक UK में, क्योंकि कोविड का कोई नया स्ट्रेन जो है वहां पे उन्होंने खोज लिया, जिसके कारण हो सकता है उन्होंने जो भी अपने ऑफिस हैं वो बंद करके रखे, सरकार का जो भी फरमान होगा वहां, तो 4 जनवरी तक तो इनके ऑफिस बंद हैं जिसके कारण आपकी पेमेंट जो है वो डिडक्ट नहीं हो पाई। आपकी 5 जनवरी से और अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर 15 जनवरी तक के बीच में, इन 10 दिन के अंदर आपकी पेमेंट जो है वो लगभग सभी की डिडक्ट वो कर लेंगे। तो आप अभी मत घबराइए, बहुत से कैंडिडेट्स का यूं फोन आया है कि सर हमारी अभी तक पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई, क्या हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि दिसंबर में पेमेंट डिडक्ट होनी थी। तो उनकी खुद की छुट्टियां थी, उनकी सरकार ने उनके ऑफिस बंद किए हुए थे, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। वो 4 जनवरी को जैसे ही उनके ऑफिस खुलेंगे या 5 जनवरी को खुलेंगे तो अब वो 10 दिन के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में जितने भी उनके पास एप्लीकेशन आई है सबकी पेमेंट वो अब डिडक्ट करना शुरू करेंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जैसे जैसे एग्जामिनेशन जो है वो पास आते चले जा रहे हैं तो दिसंबर मंथ से ही, जैसे ही कोविड का नया स्ट्रेन जो है वो पाया गया ब्रिटेन के अंदर, तो एकदम फिर से जो है वो माहौल बनने लगा वैक्सीनेशंस के बारे में या जो भी कोविड के बारे में। तो कई कैंडिडेट्स का ऐसे भी फ़ोन आया मुझे, बातचीत की कईयों ने कि क्या ये जो मार्च वाली एग्जामिनेशन है ये कैंसिल तो नहीं हो जाएगी या फिर ये पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी, हम लोग तैयारी करें कि ना करें। कई लोग अभी तक भी इसी शक में हैं, अभी इसी मंशा में हैं कि वो पढ़ाई कंटिन्यू करें या ना करें, एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरे दोस्तों, एग्जाम होंगे और 100% होंगे 11 और 12 मार्च 2021 को ही होंगे। आप अपनी तरफ से कोई ढिलाई मत बरतिए क्योंकि अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है IFE के द्वारा कि वो एग्जामिनेशन कैंसिल करना चाहते हैं या वो एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। एग्जामिनेशन 100% होगी, आपके जो सेंटर्स हैं उन्हीं सेंटर्स में होगी और आप अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखिए। इस डाउट में मत रहिए कि शायद एग्जामिनेशन ना हो तो मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा, अपनी पढ़ाई पूरी रखिए, आपकी फीस भी कटेगी, एग्जामिनेशन भी होगी। आप गलत फहमी में अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।